आज और ये आज लाइव सेशंस में आपके क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर जो है एसिड बेस एंड साल्ट्स लेने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप सबका प्यार देखना चाहूंगा और जैसा कि मैं देख भी पा रहा हूं, देयर आर लॉट्स ऑफ लव कमिंग फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। और बहुत अच्छा लगता है आपका ये प्यार देख के, और हम कोशिश करेंगे कि लाइव मैराथन बहुत जल्दी आप सबके लिए लाए जाए और आप के सारे जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारा प्यार मुझे कमेंट्स में दिख रहा है, थैंक यू एवरीवन। सो आई होप लेट्स टेक सम नेम्स फर्स्ट, देखते हैं कौन कौन हमारी स्ट्रीम पे जुड़ रहा है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन आई थिंक। और साथ साथ में सबको बता रहा हूँ कि आप प्लीज स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो हमारे साथ जुड़ सके, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इस वीडियो से फायदा जो है वो मिल सके। सो प्लीज, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, थैंक यू एवरीवन। सो साथ साथ में आप एक चीज भी मैं बताऊंगा आपको कि आप अपना जो है जगह का नाम जरूरी मेंशन करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट वन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू इम्तियाज, हेलो सर, हाई, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और यस, दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ टूथ फेरी जुड़ रहे हैं, हाय एवरीवन, थैंक यू। इंशा सिंह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। बट सलमान सिंह सर, खैरियत है, स्टार्ट करिए सर। ओके, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इंशाल्लाह एवरीवन विल गेट 90% अबव, नॉट 90%, 90 से भी ऊपर लाओगे आप, आई होप। आवर प्रेयर्स आर विद ऑल ऑफ यू। सो ग्रेट, थैंक यू एवरीवन फ्रॉम पुलवामा, फ्रॉम सुंबल, फ्रॉम पांपोर, फ्रॉम पुंछ, थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव। Love from Kupwara, Birwa, Badgam. Thank you everyone. I hope you all guys are doing great. So, साथ में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करते रहें। तो चलिए बगैर आपका ज्यादा टाइम लिए, बिकॉज आई होप कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं हम अपने सर को। तो शकील सर आपके सामने हैं एंड ही इज गोइंग टू टेक द लेक्चर नाउ ऑनवर्ड्स। सो आई होप यू विल गिव द सेम लव, जैसा कि अभी तक आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। And I hope you will enjoy the lecture as well. So thank you everyone, and let's Shakil sir continue then. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pyare bachcho, kaise aap sab? Hope you are doing well. You are fit and fine. My dear students, aaj aapke liye humne surprise live session aapke liye start kiya, aur aaj ke session ke andar, is live session ke andar hum chemistry ka ek important chapter aapko padhayenge. इस लाइव सेशन के अंदर इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स वो आपको ब्रीफली आपको यहाँ पे आपको समझाएंगे। चैप्टर का नाम है बेटा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमने कौन से टॉपिक्स आज के इस लाइव सेशन में पढ़ने हैं। देयर इज एन ओवरव्यू, सबसे पहले इंडिकेटर्स, उसके बाद एसिड्स, इनकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद बेसिस, क्लासिफिकेशन, इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर पीएच स्केल के बारे में आपको इसी सेशन के अंदर पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, साल्ट्स, साल्ट्स की प्रिपरेशन, साल्ट्स की क्लासिफिकेशन और फैमिलीज ऑफ साल्ट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे, और लास्ट में आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपने इस चैप्टर के अंदर याद रखना है, जिसमें आपका कॉमन साल्ट आता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारा जो आपको मैंने स्क्रीन के सामने रखा है ये आज की इस लाइव सेशन में डिस्कस होने जा रहा है, और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम्स वो आने वाले हैं, इनको हमने रिवाइज करना है आज की इस लाइव सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, वो है इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are actually chemical substances जो हमें indication देते हैं whether a given substance is an acid, base or neutral. The chemical substances they are called as indicators. For example, हमारे पास तीन beakers है, ये हमारे पास beaker वन है या beaker A नाम हम इसका रखेंगे, this is our beaker A, यहाँ पे this is beaker B और ये beaker C है, इनका नाम हम यहाँ पे रखेंगे A, B and C. ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे बीकर ए के अंदर भी एक कंपाउंड रखा गया है, बीकर बी के अंदर भी कंपाउंड रखा गया है और बीकर सी के अंदर भी कंपाउंड रखा गया है, लेकिन हमें पता नहीं है किस बीकर के अंदर कौन सा कंपाउंड है। एक बीकर के अंदर एसिडिक है, एसिडिक कंपाउंड, दूसरे बीकर के अंदर बेसिक या किसी और कंपाउंड के अंदर
न्यूट्रल कंपाउंड हमने रखा है। अब हमने बताना है इन तीन बीकर्स में से किस बीकर के अंदर एसिड है, किस बीकर के अंदर बेस है, या किस बीकर के अंदर न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी गैस नहीं लगाएंगे, ऐसी तुक्का नहीं मारेंगे, बल्कि हमने क्या करना है, हम कुछ केमिकल सबस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल सबस्टेंसेस क्या करते हैं, वो कलर चेंज करके हमें इंडिकेशन देते हैं कि किस बीकर के अंदर कौन सा कंपाउंड रखा गया है। तो उन्ही केमिकल सबस्टेंसेस को हम बेटा इंडिकेटर्स कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। तो अगर आपने इंडिकेटर्स को डिफाइन करना होगा, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सबस्टेंस। पहली बात आपने इंडिकेटर के बारे में याद रखनी है कि इंडिकेटर ये केमिकल सबस्टेंस होता है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सबस्टेंस इज एन एसिड और बेस बाय अ शार्प चेंज इन इट्स कलर और स्मेल। ये केमिकल सबस्टेंस हमें इंडिकेशन देते हैं, लेकिन कैसे इंडिकेशन देते हैं, या तो ये अपना कलर चेंज करते हैं या ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो ऑन दैट बेसिस जो हमारे केमिकल सबस्टेंसेस जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बेटा एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं और दूसरे को हम ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये जो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं ये इंडिकेशन देते हैं बाय चेंज इन देयर कलर। ये अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं वेदर अ गिवन सबस्टेंस इज एन एसिड और बेस। इसमें हमारा लिटमस आता है, इसमें हमारा फिनोक्लिन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, टर्मरिक आता है, या रेड कैबेज आता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपने याद रखना है लिटमस के बारे में, फिनोक्लिन के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे इस बीकर के अंदर कोई कंपाउंड रखा गया है इन बीकर ए, अगर हम इसमें इनमें से या फिनोक्लिन यहां पे इसमें ऐड करेंगे, वी विल ऐड फिनोक्लिन इन दिस बीकर। ये फिनोक्लिन कलरलेस होता है बेटा। अगर यहां पे इसका कलर चेंज हुआ इनटू द पिंक, अगर इसका कलर किस में चेंज हुआ, पिंक में चेंज हुआ, इट मींस दैट द गिवन कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस बीकर ए इट इज बेसिक इन नेचर। अब आपको कैसे पता चला ये कंपाउंड बेसिक है, क्योंकि जो आपने केमिकल सब्सटेंस फिनोक्लिन यहां पे यूज किया उसने अपना कलर चेंज किया। जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके आपको इंडिकेशन देते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड बेस और न्यूट्रल, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। एंड सच टाइप इंडिकेटर्स दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो यहां पे जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, लिटमस, फिनोक्लिन, मिथाइल ऑरेंज या टर्मरिक या रेड केबेज, ये सारे हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स एज दे इंडिकेट एज दे गिव द इंडिकेशन वेदर गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस या न्यूट्रल बाय चेंजिंग देयर कलर, दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऑनियन, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है, ये भी हमें इंडिकेशन देता है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। मगर कैसे, क्या यहां पे भी कलर चेंज होता है कि यहां पे स्मेल चेंज होती है? ये अपनी आपको पता है ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिसअपीयर होती है किसी कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब ये ऑनियन भी आपको इंडिकेशन देता है वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कि ये इंडिकेशन कैसे देते हैं। जब कोई केमिकल सब्सटेंस इंडिकेशन देता है बाय चेंजिंग इट्स कलर, देन दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। और अगर केमिकल सब्सटेंस इंडिकेशन देता है वेदर गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग देयर स्मेल, देन द इंडिकेटर्स दे आर कॉल्ड एज ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अब इसके बाद इसमें जो पहला जो टॉपिक आता है दैट इज एसिड्स। एसिड्स की बहुत सारे डेफिनेशन से बेटा यहां पे जो हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़नी है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसको हम बेटा अर्हेनियस कंसेप्ट कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स हम कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं, कौन से सबस्टेंसेस को कहते हैं? ये वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनको जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, व्हाट दे प्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। और यही हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+। दिस आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। बेटा बात समझ में आ रही है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जो यहाँ पे आपको एसिड की डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके बहुत सारे डेफिनेशन है जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डेफिनेशन को हम अर्हेनियस कंसेप्ट कहते हैं। तो अर्हेनियस क्या बोल रहा है रिगार्डिंग एसिड्स, एसिड्स कौन से सबस्टेंसेस होते हैं? ये वो सबस्टेंसेस होते हैं, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, बेटा जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, व्हाट दे यील्ड हाइड्रोनियम आयन। असल में ये हाइड्रोजन आयन देते हैं और यही हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। दिस हाइड्रोजन
जो प्रोटॉन यहाँ पे निकल रहा है, इट इज द ओनली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन. यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर इसके बाद मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा. यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस HCl है. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड. आपने इसको किस बेस पे एसिड बताया? जब मैं इस कंपाउंड को किस में डाल रहा हूं, इसमें इसको मैं वाटर में डाल रहा हूं. वाटर में डालने से अगर क्या रिलीज हो रहा है? एच पॉजिटिव आयन. ये एच पॉजिटिव आयन वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. क्या बनाएगा? H3O हाइड्रोजन आयन. तो इसको मैं क्या बता रहा हूं? इसको मैं एसिड कहता हूं. यहां पे मेरे पास एक और कंपाउंड है H2SO4. मैं इसको एसिड बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अरिहेंस कंसेप्ट. कैसे आपने इसको एसिड बताया? इसको आप पानी में डिजॉल्व कीजिए. जब मैंने इसको पानी में डिजॉल्व किया तो यहां से भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? हाइड्रोजन आयन्स. हाइड्रोजन आयन्स कहां जाएंगे? वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिजॉल्वड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स, और वो हाइड्रोजन आयन्स किसके साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं? वाटर के साथ. दे आर कॉल्ड एज एसिड्स. तो दिस इज द अरिहेंस कांसेप्ट रिगार्डिंग एसिड्स. अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन, कौन सी क्लासेस एसिड्स के हमने पढ़ने हैं? इसके डिफरेंट क्लासेस है ऑन डिफरेंट बेसिस. पहली क्लासिफिकेशन एसिड्स की विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ. अब स्ट्रेंथ के लिहाज से जो हमारे एसिड्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स. व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है. इसका ये मतलब है जिस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो सारे हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलते हैं और वो सारे हाइड्रोजन एटम्स पानी के साथ रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. जैसे कि HCl, इसका नाम आप बताइए, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूं. क्यों? क्योंकि जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है. ये एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयन. तो ऑन दैट बेसिस यहां पे इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, तो इस बेस पे हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देते हैं. हमारे पास एक और एसिड है, इस एसिड का नाम हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं. इसको भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूं. क्यों? क्योंकि जब मैं इसको पानी में डिजॉल्व करता हूं, इसके अंदर भी एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो बाहर निकलता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयन. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. नाउ व्हाट आर वीक एसिड्स? जिनकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है. ऐसे कोई एसिड्स होते हैं जिनकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है? हमारे पास ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं. मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, CH3COOH. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड. और एक बात आपने बेटा याद रखनी है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज पाई जाती है. व्हाट इज दैट? वो है हाइड्रोजन एटम. मैंने HCl की बात की, मैंने नाइट्रिक एसिड की बात की, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं जिसको हम इथेनोइक एसिड या कॉमनली हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं. आप इन तीनों कंपाउंड्स में देखिए आपको कॉमन चीज नजर आएगी. वो कॉमन चीज क्या है? यहां पे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है. तो हमें बात समझ आ रही है, जितने भी एसिड है उनके अंदर एक चीज होती है, वो हाइड्रोजन एटम होता है. अब कोई एसिड पानी में डिजॉल्व करने के बाद वो सारे हाइड्रोजन आयन अगर देगा, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट आयोनाइजेशन. उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. लेकिन हमारे पास ये जो कंपाउंड है जिसको हम इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको जब हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, इसमें चार हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे तीन, यहाँ पे एक, चार. क्या चारों के चार बाहर निकल रहे हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर? यहाँ पे चार में से एक ही बाहर निकल रहा है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3COO. यहाँ पे प्लस आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहा है. यहाँ पे आपको चार हाइड्रोजन आयन्स नहीं मिल रहे, बल्कि चार में से एक ही यहाँ पे डिसोसिएट हुआ. क्या यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हुई, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुई? यस, यहाँ पे इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रही है. ऐसे एसिड जिनमें इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन पार्शियल डिसोसिएशन होती है, such type of acids are called as weak acids. So we have two types of acids on the basis of strength. One type is called as strong acid, और दूसरे type को हम बेटा क्या बोलते हैं? Weak acids. इसके बाद on the basis of source, we have two sources of acids. Some sources उनको हम organism से obtain करते हैं. The acids which are obtained from organisms, they are called as organic acids. नाम से हमें पता चल रहा है. What are organic acids? The acids, the chemical substances which are obtained from living organisms. ये living organisms plants भी हो सकते हैं, ये living organisms animals भी हो सकते हैं, ये micro organisms भी हो सकते हैं. तो on that basis जो acids होते हैं इनको हम organic acids कहते हैं. अब इसके बाद inorganic acids, what are inorganic acids? जिनका source other than living organisms, non-living things,
जैसे रॉक्स कोई एसिड हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स. द टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड इज, दे आर कॉल्ड इज इनऑर्गेनिक एसिड. ऑन द बेस ऑफ द सोर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ये रही दो क्लासेस किसके, एसिड्स की. डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, अब दो क्लासेस भी मैंने आपको बताए. अब इसमें एक और क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द कंसेंट्रेशन. व्हाट डू मीन बाय दिस कंसेंट्रेशन, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मैं एसिड का सॉल्यूशन बनाऊंगा, किसी एसिड के अंदर अगर पानी की कंसेंट्रेशन या पानी का अमाउंट कम प्रेजेंट होगा, उसमें पानी भी प्रेजेंट होता है, उसमें एसिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, देन द एसिड इज कॉल्ड एज कंसेंट्रेटेड एसिड. डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, ये भी सॉल्यूशन होता है, इसमें एसिड की कंसेंट्रेशन कम और पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा. द टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड्स. होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी किनकी, एसिड्स की. फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सेकंड क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एंड द थर्ड वन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेंट्रेशन. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स. इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले एसिड्स का टेस्ट, जो भी एसिड, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे कोई और एसिड हो, जितने भी एसिड से इनका जो टेस्ट, दे आर सॉर इन टेस्ट, दे आर सॉर इन टेस्ट. इनका कैसा मजा होता है, ये खट्टे होते हैं. नंबर फर्स्ट, अगर फिजिकल स्टेट इनकी देखी जाए, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्या ये लिक्विड्स होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, कि ये गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द एसिड्स दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर. ये याद रखिएगा, जितने भी एसिड है ये सारे क्या होते हैं, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसमें बेटा एक्सेप्शन याद रखिए, यहाँ पे कुछ एसिड जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट, जिसमें एक एसिड आता है उसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड. एक और एसिड आता है उसको हम बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक एसिड. ये दोनों भी एसिड से, बट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट दीज टू, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट. अब इसके बाद क्या इनका करोसिव नेचर होता है, यस दे आर करोसिव इन नेचर. इसका मतलब जब ये हमारी स्किन पे पड़ते हैं, जो भी एसिड हमारी स्किन पे पड़ता है, वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, इवन कि ये हमारे कपड़े जलाते हैं. इट मीन्स दैट द एसिड्स दे आर करोसिव इन नेचर. ये हो गई एक और प्रॉपर्टी. नाउ इसके बाद एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, जिन इंडिकेटर्स की मैं अभी बात कर रहा था. इंडिकेटर्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं whether given substance is an acid or base. अब हमारे पास तीन कॉमन इंडिकेटर जो हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं, उसमें पहला आता है लिटमस, दूसरा इसमें आता है फिनोप्थेलिन, ये आपने याद रखना है फिनोप्थेलिन, और तीसरा इसमें आता है फिनोप्थेलिन, तीसरा इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज. और आप ये भी जानते हो जो हमारे, जो हमारा लिटमस होता है, इसके हम दो पेपर्स बनाते हैं, एक को हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं और दूसरे को हम ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस ब्लू लिटमस पेपर को हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है रेड में. अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा किसी केमिकल सब्सटेंस में, इट मीन्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. ये हो गई एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, जिसमें पहला इंडिकेटर मैंने आपको लिटमस के बारे में बताया. इसके बाद नंबर सेकंड फिनोप्थेलिन, इसका जो नेचुरल कलर होता है इट इज कलरलेस, जो अपना कलर होता है इट इज कलरलेस. आप इसको एसिड में डालिए, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इट रिमेन्स कलरलेस, ये उस टाइम भी कलरलेस ही रहता है, मगर अगर हम फिनोप्थेलिन को बेस में डालते हैं वहां पे इसका कलर कलरलेस पिंक हो जाता है. तो यहाँ पे इसकी इंडिकेशन ऐसे आपको मिलती है, जब हम फिनोप्थेलिन को एसिड में डालते हैं वहां पे फिनोप्थेलिन का कलर चेंज नहीं होता है. मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ये ऑरेंज होता है, लेकिन जब हम इस इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू रेड. ये हो गई एक्शन किसकी, इंडिकेटर्स की, किसके साथ, विद द एसिड. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स. व्हाट हैपेंस इफ एसिड्स आर रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स. कोई एक्टिव मेटल का मतलब होता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, जहां पे हम मेटल्स की एक सीरीज बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ द रिएक्टिविटी. ऊपर उन मेटल्स को रखा जाता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, नीचे हम उन मेटल्स को रखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं,
जब वो मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ये हो गया। इसके बाद रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं फॉर एग्जाम्पल HCl, ये हमारे पास एसिड है। इस एसिड के साथ अगर हम कोई एक्टिव मेटल, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम यहाँ पे ले रहे हैं, this sodium metal is more reactive or highly reactive than the hydrogen, so it will displace this hydrogen from the acid. तो यहाँ पे displacement reaction होगी। इस hydrogen की जगह कौन ले रहा है? Sodium ले रहा है। और यहाँ पे इसके साथ chlorine, तो ये बनाएगा salt, metal salt जिसको हम कहते हैं। Plus यहाँ पे ये hydrogen बाहर निकलेगा इस form में। This is called as hydrogen gas. तो याद रखना, जब भी acids किसके साथ react होते हैं? When they react with active metals, displacement reaction होती है। जब displacement reaction होती है, metal salt बनता है और साथ में क्या evolve होता है? साथ में hydrogen gas evolve होता है। होगी एक और property। इसके बाद reaction with metal carbonates क्या होता है? जब हम acids को किसके साथ react कराते हैं? Metal carbonates के साथ react कराते हैं। कोई acid हम यहाँ पे लेंगे, for example हम HCl लेंगे, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे Na2CO3, दिस इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे आपको एक तो साल्ट मिलेगा, साल्ट यहां पे आपको मिलेगा NaCl, प्लस आपको यहां पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O। ये इस प्रॉपर्टी की, ये जो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, ऐसी रिएक्शन एक और दिखाएंगे। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था जिसकी फॉर्मूला Na2, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन दिखानी है? एसिड्स की, विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे मैं कोई मेटल बाइकार्बोनेट लूंगा NaHCO3, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहां पे जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। मैंने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये जब इसके साथ रिएक्ट हुआ तो यहां पे साल्ट मिलेगा आपको NaCl, प्लस आपको यहां पे CO2 मिलेगा, प्लस आपको यहां पे H2O मिलेगा। तो यहां पे ये रिएक्शन होती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, ये होगी ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेसिस, ये सबको पता है। जब हम एसिड उसको रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमेशा साल्ट प्लस वाटर मिलता है। द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखेंगे जिसमें एसिड को आपने रिएक्ट करना है किसी बेस के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? आपको साल्ट और वाटर मिलेगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा, कोई एग्जाम्पल बताइए एसिड की। हाँ, HCl ही लेंगे। HCl को जब हम रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ, कोई बेस यहाँ पे आप बताइए, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट साल्ट। यहाँ पे कौन सा साल्ट बनेगा? NaCl प्लस यहाँ पे H2O मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये होगी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है? जब हम एसिड उसको रिएक्ट करते हैं किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दिस इज मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराना है? इसको हमने रिएक्ट कराना है किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, इसको हमने रिएक्ट कराना है किसी एसिड के साथ। तो एसिड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं मेटल ऑक्साइड के साथ, यहां पे साल्ट मिलता है। कौन सा साल्ट यहां पे बनेगा? CuCl2 प्लस आपको यहां पे H2O मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले टेस्ट, फिजिकल स्टेट, दे हैव करोसिव नेचर, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, वो भी मैंने आपको बताया, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मैंने बताया यहाँ पे साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है, रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे भी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और लास्ट में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पे भी आपको मेटल साल्ट और वाटर मिलता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक वो है बेसिस। तो बेसिस को डिफाइन करने के लिए, आपको नींद मत आ गई बेटा, जरा आप अपना प्यार हमें भेजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हमें भी पता चले कि आप भी हमारा वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। शाबाश शाबाश, वाई शाबाश, वाई सो
मैंने एसिड्स के बारे में आपको जितना भी पढ़ाया आपको याद रहा कि नहीं रहा, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शाबाश, हाँ बताओ, इट इज ओके, आप बताओ। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, नाइस, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, देखिए बेटा, हा आपने लिखा है यहां पे हाउ एसिड कंटेन हाइड्रोनियम आयन। एसिड में असल में हाइड्रोनियम आयन नहीं होता है, एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम्स, मगर जब एसिड को हम पानी में डालते हैं वो हाइड्रोजन बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स, और वही एच पॉजिटिव आयन पानी के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्लियर हुआ? शाबाश, हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है बेसिस। व्हाट आर बेसिस? तो अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कांसेप्ट, जैसे मैंने आपको एसिड्स में अरहेनियस कांसेप्ट बताया, सिमिलरली बेसिस को भी हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कांसेप्ट। व्हाट आर बेसिस? अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, जैसे अभी आपने एसिड को पानी में डिसॉल्व किया वहां पे एच पॉजिटिव आयन निकला था, लेकिन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद वहां पे नेगेटिव आयन निकलता है, और वो नेगेटिव आयन ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन। दिस द ओनली नेगेटिव आयन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम केमिकल सब्सटेंसेस आर डिसॉल्वड इन वाटर। सच टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज बेसिस अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कांसेप्ट। तो वही हमने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन एज द ओनली नेगेटिव आयंस। अब इसके भी डिफरेंट क्लासेस है ऑन डिफरेंट बेसिस। तो पहली क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें ऑन द बेस, दिस इज ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिहाज से जो हमारे बेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे होते हैं वीक बेसिस। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस? जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, जब कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है जो उसके अंदर उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं इन दिस फॉर्म। और वीक बेसिस वो बेस होते हैं जिनकी पार्शियल डिसोसिएशन होती है, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है, दे आर कॉल्ड एज वीक बेसिस। तो इट इज सो सिंपल एज इट इज, बराबर वैसे ही जैसे आपने इन केस ऑफ एसिड्स में पढ़ा, जो जितने हाइड्रोजन आयन्स देता है वो उतना स्ट्रांग माना जाता है, जो कम हाइड्रोजन आयन देता है वो उतना वीक एसिड माना जाता है। और यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन्स देगा वो उतना स्ट्रांग होगा, जो कम देगा उसको हम वीक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रांग बेस एज द कंपाउंड इट कंटेन्स ओनली दिस हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये कंप्लीटली बाहर निकलता है ऑन डिसॉल्विंग वाटर। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दो हाइड्रोक्सिल आयन्स ऑन डिसॉल्विंग वाटर, यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल आयन डिसोसिएट होता है बाहर निकलता है, तो इस बेस पे हम इसको वीक बेस कहते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, अगर आपके पास सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में बेस की कंसेंट्रेशन ज्यादा, बेस का अमाउंट ज्यादा लेकिन पानी की जो कंसेंट्रेशन उसका अमाउंट कम, तो उस बेस को हम कंसेंट्रेटेड बेस कहते हैं। डाइल्यूट बेस, आपके पास सॉल्यूशन है अगर उस सॉल्यूशन के अंदर बेस का अमाउंट कम और पानी का अमाउंट ज्यादा, देन द बेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूट बेस। ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। चलिए आप इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नंबर फर्स्ट, टेस्ट इनका, दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर इनका टेस्ट हम देखेंगे कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। शाबाश, फील दे आर सोपी, और वी कैन से दे आर स्लिपरी, ये स्लिपरी होते हैं। आप किसी बेस को, जैसे हम सोप सॉल्यूशन को जब हम इन फिंगर्स के बीच में रखते हैं, हमारे जो हाथ, ये जो फिंगर्स होते हैं फिसल जाते हैं, इसका मतलब इनका जो फील वो स्लिपरी होता है, या हम सोपी कहेंगे। टेस्ट इनका बिटर होता है। फिजिकल स्टेट, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपने एसिड्स में बताया वो सारे एसिड्स लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलरली जो हमारे बेसिस होते हैं ऑल द बेसिस दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपने बताया एसिड्स वो करोसिव इन नेचर होते हैं, यहाँ पे जो बेसिस होते हैं ये भी करोसिव होते हैं, मगर मैं उन बेसिस की बात कर रहा हूँ विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है।
एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको लिटमस में बताऊंगा। लिटमस में क्या होता है, आपके पास रेड लिटमस पेपर होता है, तो रेड लिटमस पेपर इसका कलर चेंज होता है इनटू द ब्लू। अगर आपके पास कोई गिवन सब्सटेंस है, आपने बताना है वो बेस है कि नहीं है, उसमें हम क्या इंसर्ट करते हैं, रेड लिटमस पेपर। इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू देन इट कंफर्म्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। इसके बाद फिनोफ्थलीन का मैंने आपको बताया, इसका जो कलर वो कलरलेस होता है, बट इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स पिंक, इसका कलर पिंक हो जाता है। जब पिंक कलर हो जाएगा किसका, फिनोफ्थलीन का, इसका मतलब वो सब्सटेंस वो आपकी बेस है। ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अगर इसका कलर चेंज हुआ फ्रॉम ऑरेंज टू येलो देन द गिवन सब्सटेंस व्हिच यू आर टेस्टिंग दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ये हो गई ये वाली प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इसके बाद रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, व्हाट हैपेंस जब हम किसी बेस को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, वहां पे गैस, एक स्पेशल टाइप का गैस निकलता है बेटा, उस गैस को हम अमोनिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अमोनियम साल्ट लूंगा NH4Cl, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, इसी को हम अमोनियम साल्ट कहते हैं। अमोनियम साल्ट वो साल्ट होता है जो हम बनाते हैं बाय रिएक्टिंग एनी एसिड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं साल्ट को बनाने के लिए हमें एक एसिड की जरूरत पड़ती है, हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम ये वाली बेस यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट NH4OH, दिस बेस इज कॉल्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस बेस से जो साल्ट बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज अमोनियम साल्ट। मैंने यहाँ पे एक अमोनियम साल्ट लिया, मैंने इसको रिएक्ट करना है किसी बेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको इस बेस के साथ रिएक्ट किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको बेटा NaCl, एक तो यहाँ पे ये साल्ट मिलेगा Na और Cl ये आपको मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे ये गैस मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट अमोनिया, ये गैस यहाँ पे आपको मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये मैंने इसमें एग्जाम्पल आपको बताया, इसमें रिएक्शन आपको बताया। व्हाट हैपेंस अगर हम बेस को रिएक्ट करते हैं किसी अमोनियम साल्ट के साथ, तो आपने याद रखना है बेटा वहां पे क्या निकलता है, वहां पे अमोनियम गैस निकलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, शाबाश। इसके बाद बेटा रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट हैपेंस इफ बेस इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम वहां पे मेटल कार्बोनेट बनता है, सिंपल है ना। देखिए यहाँ पे मैं कोई बेस लेता हूँ NaOH, दिस अ बेस, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर हम इसको बाहर रखते हैं किसी बेस को बाहर रखते हैं देन इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इट रिएक्ट्स विद दिस बेस, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपको मिलेगा Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा, ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। कोई भी बेस जब बाहर रखते हैं, स्पेशली अल्कली, अल्कली क्या होती है, शाबाश, देयर आर डिफरेंट बेसिस, सम बेसिस दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम बेसिस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल बेस होती है उसी को हम अल्कली कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट हम यहां पे बताते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं, वही बेस अल्कली होती है जो पानी के साथ डिजॉल्व होती है। तो यहाँ पे मैंने अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स एन अल्कली सॉल्युबल बेस, जब इसको बाहर रखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करेगा मेटल कार्बोनेट बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस यहाँ पे वाटर निकलेगा। हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी इनके साथ द बेसिस। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल, जैसे आपने एसिड में बताया जब इसके साथ एसिड के साथ कोई एक्टिव मेटल रिएक्ट होता है वहां पे मेटल साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस वालों होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी बेस में कोई एक्टिव मेटल ऐड करते हैं तो साल्ट बनता है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, मेरे पास ये बेस है, ये अल्कली है NaOH, इसके साथ में कोई एक्टिव मेटल, मैं यहाँ पे इसके साथ सपोज इसके साथ हम ये एक्टिव मेटल इसमें ऐड करेंगे Zn, जिंक। जिंक को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे एक साल्ट बनता है Na ZnO2, ये कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलता है Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, ये भी साल्ट होता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं, प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये रिएक्शन याद रखिएगा, व्हाट हैपेंस अगर एक्टिव मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो वहां पे भी आपको मेटल साल्ट मिलता है,
कौन सा मेटल साल्ट है, जब आपने यहाँ पे जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट किया आपको ये साल्ट मिला, इस साल्ट को हम जिंक सोडियम जिंकेट कहते हैं अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद ये आपको पता ही है, जब हम चाहे आप एसिड्स को रिएक्ट कराओ बेसिस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आप बेसिस को रिएक्ट कराओ एसिड्स के साथ तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। चलिए इसके बाद आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन पीएच स्केल हमें तब समझ आएगी अगर आपने ये समझ लिया होगा कि एसिड्स क्या होंगे, बेसिस क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल बताऊंगा, जो एसिड्स हमारे होते हैं या जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, सबसे पहले हमने एसिडिक सॉल्यूशन समझना है, हमने बेसिक सॉल्यूशन समझने हैं, व्हाट आर बेसिक सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर एसिडिक सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब हम एसिडिक सॉल्यूशंस में देखते हैं तो इसमें एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको असल में पीएच स्केल पढ़ा ली है, पीएच स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले आपने इसके बारे में पहले याद रखना है एसिडिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, सारे सॉल्यूशंस के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रेजेंट होते हैं। जो बेसिक सॉल्यूशंस, इसमें भी एच पॉजिटिव आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंस क्या है, अगर दोनों में ये आयन्स प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। याद रखिएगा, ये कहां से आता है, ये पानी से आता है, ये पानी का होता है, अदरवाइज इस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों आयन्स प्रेजेंट होते हैं, मगर इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा और इसकी कंसेंट्रेशन कम। जो आपके बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा और इसकी कंसेंट्रेशन वो कम होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर भी एच पॉजिटिव आयन्स और हाइड्रोक्सिल आयन्स प्रेजेंट होते हैं। सर आप ये क्या बता रहे हो, मैं सही बता रहा हूं आपको, जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, शाबाश, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, दे ऑल कंटेन दीज टू टाइप्स ऑफ आयन्स, मगर किसी सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स ज्यादा, किसी में कम और किसी में ये बराबर होते हैं, दोनों आयन्स बराबर होते हैं। जहां पे एच पॉजिटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा, इसकी कंसेंट्रेशन कम, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशंस। जहां पे इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा, एच पॉजिटिव आयन्स की कंसेंट्रेशन कम, दे आर कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशंस, और जहां पे कंसेंट्रेशन इक्वल, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। यहां तक हमें समझ में आया, मैंने आपको क्या पढ़ाना है, पीएच स्केल क्या होती है। अब हमें एक बात समझ आ रही है, चाहे हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, इसमें भी एच पॉजिटिव आयन, इसमें भी एच पॉजिटिव आयन और इसमें भी एच पॉजिटिव आयन, हर एक सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक सॉल्यूशन के अंदर इस एच पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है, हम एक स्केल से निकालते हैं, दैट स्केल इज कॉल्ड एज पी एच स्केल। दिस पी रिप्रेजेंट्स पोटेंस, पी ओ टी ई एन जी, पोटेंस इज एक्चुअली अ जर्मन वर्ड विच मीन्स पावर, किसका, हाइड्रोजन आयन्स का, किसके अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी सॉल्यूशन आपके पास, उन सारे सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एच पॉजिटिव आयन। अब किस सॉल्यूशन के अंदर एच पॉजिटिव आयन की कितनी कंसेंट्रेशन, दैट इज रिप्रेजेंटेड और दैट इज कैलकुलेटेड बाय अ स्केल विच वॉज डिवाइसेड बाय सोरेनसन, उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन इन 1909, और उसी स्केल को हम बेटा पी एच स्केल कहते हैं। Where P represents power, it is a German word potence. Potence का मतलब होता है power, लेकिन किसका power? Hydrogen ion concentration. कहाँ पे? एक solution के अंदर. That is called as. उसी को हम बेटा pH scale कहते हैं. आई बात समझ में? जो हमारे acidic solutions होते हैं, याद रखिएगा, जो हमारे acidic solutions होते हैं, इनका जो pH, their pH is less than 7. जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनका पीएच मोर देन 7 होता है, और जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव पीएच इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब इस पीएच को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम मिला के एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम किसी सॉल्यूशन का पीएच ये पता करते हैं।
आप कोई क्वेश्चन हमें पूछ सकते हो रिलेटेड द टॉपिक. शाबाश एनीवन. हाँ बेटा, किसने बताया डिफाइन कलर अल्कली प्रोसेस? अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आए हैं, हम उस पे आने वाले हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा. शाबाश, पहले अपनी प्रेजेंस दिखाइए. कलर अल्कली प्रोसेस मैंने बताया, अभी बता रहा हूं, अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप. शाबाश, सर कार्बन एंडिडस कंपाउंड्स का भी करवा दीजिए, वो हमने ऑलरेडी उसका वीडियो हमने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा. ओके, कोई बात नहीं बेटा. हेलो कश्मीरी ब्रदर्स, हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, मैं कश्मीर से ही हूं. शाबाश, प्रेजेंस दिखाइए. वेरी गुड वेरी गुड, आप प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है आप लोगों की. जरा आप मुझे बताइए, जो जेके बोस स्टूडेंट्स यहां पे हैं, उनका साइंस पेपर कब है? अपना डेट बताइए साइंस पेपर का. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी आपको इसमें वन शॉट देंगे इंशाल्लाह. कमिंग नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपको वो उसका लेक्चर देंगे. लास्ट डेट बताइए ना, इसे पता चलता है कि आप कितना सीरियस हो अपने एग्जाम में. शाबाश, लास्ट पेपर है वो मुझे भी पता है, डेट बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए. शाबाश, बायो वो उसका भी आपको बताएगी, कोई मसला नहीं. वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. देखिए अब इसके बाद जो पीएससी के से हम क्या मेजर करते हैं, किसी सॉल्यूशन का जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वो पता करते हैं. ठीक है, तो दो आपके पास दो कंपाउंड्स, एक तो आपके पास एक कंपाउंड होता है विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इंडिकेटर. जिस सब्सटेंस का आपने पीएच पता करना है उसमें हम उसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उसका कलर चेंज होता है. जो कलर चेंज होगा, हमारी लेबोरेटरी के अंदर एक रेफरेंस लगा हुआ होता है, उसमें 0 to 14 कलर्स होते हैं. जो कलर आपके उस सॉल्यूशन का आएगा, आप कलर को मैच करके उसके साथ वो पता कर सकते हो कि उसका पीएच कितना आएगा. ठीक है, उसके बाद दूसरा ये होता है पीएच मीटर डिजिटल. चूंकि आज डिजिटल वर्ल्ड है तो ज्यादा हम इसी से काम चलाते हैं. ये बराबर वैसे होता है जैसे थर्मामीटर, जब हम इसमें मुंह में रखते हैं तो वो बीप करता है, तो आपको टेम्परेचर बताता है. सिमिलरली आपके पास कोई सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर वैसा ही होता है एक मीटर, उसको हम पीएच मीटर कहते हैं. उसको उस सॉल्यूशन में डाला जाता है, उस पे डिस्प्ले लगा होता है, तो उस डिस्प्ले पे उसका पीएच आपको मिलता है. तो दिस इज कॉल्ड एज पीएच मीटर. ये हो गई पीएससी के. ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे आर पीएच सेंसिटिव. ठीक है बेटा, जो हमारी बॉडी होती है, वैसे मैं बायोलॉजी कम जानता हूं, लेकिन हमारी बॉडी को हम इसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और सारे केमिकल रिएक्शंस किसी ऑप्टिमम पीएच पे होते हैं. जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर बाइल निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी हमारे इस मुंह में सलाइवा निकलता है, इनका एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिस पे अपना काम करते हैं. अगर इसी पीएच का इधर इधर ऊपर नीचे हो जाएगा, जो बहुत सारे जो बीमारियां वो जन्म लेते हैं. तो इसे ये पता चल रहा है कि जो पीएच इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर. ये होगी पहली इंपॉर्टेंस. सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ. देखिए, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स. कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है विच इज अल्कलाइन, कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है विच इज एसिडिक, कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है जो कि न्यूट्रल होता है. तो डिफरेंट सॉइल्स दे हैव डिफरेंट पीएच वैल्यूज. कोई प्लांट जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, अगर वहां का पीएच डिस्टर्ब हो गया तो क्या वो प्लांट वहां पे ग्रो करेगा? नहीं करेगा. तो इसका मतलब जो पीएच, ये सॉइल में भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है. इसके बाद पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके. देखिए बेटा, हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, हमारे इस माउथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स वो इन दांतों के बीच में चिपक जाते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं. बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं वो एसिड्स रिलीज करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो भी शायद आपको पता होगा, उसको हम एनामल कहते हैं.
राइट, मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि बायोलॉजी में कम जानता हूँ. एनिमल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, जो सलाइवा होता है, SALIVA, सलाइवा जिसको हम थूक कहते हैं बेटा, इसका जो पीएच वो 5.5 होता है. अब अगर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे हमारे इस माउथ के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो पीएच माउथ के अंदर ये 5.5 से कम हो जाता है. जब पीएच 5.5 से कम होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल होता है ये भी कन्वर्ट हो जाता है. तो खुद ही आपको पता चलता है कि जो पीएच है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर. इसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब कोई हनी भी हमें काटती है, बाइट करती है, वो पता है वो क्या इंजेक्ट करती है? वो इंजेक्ट करती है एसिड को. जब वो इंजेक्ट करती है, जब वो आपको काटती है, जब वो मुझे काटती है, फिर उस टाइम हम क्या ढूंढते हैं? हम सोप सॉल्यूशन ढूंढते हैं. आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होता है उस हनी बी ने आपको आपकी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट किया है, और हम जानते हैं एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? वो बेस, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है. जब हम यहाँ पे सोप लगाते हैं, सोप लगाने से क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपकी जो पेन, जो मेरी पेन, वो कम होती है. एम आई राइट? या कभी कभार वो रेड वास्प, वो आपने देखा होगा, वो थोड़ा उससे बड़ा होता है, हनी बी से बड़ा होता है, वो जब इंजेक्ट करती है, शाबाश, वो जब इंजेक्ट करती है, वो बेस इंजेक्ट करती है, तो उस टाइम अगर आपने सोप सॉल्यूशन ढूंढी और ज्यादा पेन होगी. उस टाइम हम क्या करते हैं? या तो कर डालते हैं, क्योंकि वासप ने आपको क्या इंजेक्ट किया है? बेस इंजेक्ट किया है. हम जानते हैं बेस के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करता है? इट इज द एसिड. तो उस टाइम हम या तो टोमेटो ढूंढते हैं या कोई और एसिडिक चीज ढूंढते हैं जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारा जो जो पेन होती है वो ठीक हो जाती है. इसके बाद These were the importance of pH in everyday life. Now move to the next topic. Chapter का नाम क्या है? Acids, bases and salts. Acids का मैंने बताया, bases का मैंने बताया. अब रही बात किनकी? Salts की. वापस जाते हैं acids पे. Acids H positive ions देते हैं. जो only positive ions देते हैं, they give H positive ions. Bases क्या देते हैं? They give negative ions. मगर negative ion especially क्या होता है? Hydroxyl ion. Am I right? जो साल्ट्स होते हैं ये भी कंपाउंड्स होते हैं. ये भी पॉजिटिव आयन्स देते हैं, ये भी नेगेटिव आयन्स देते हैं. मगर ये पॉजिटिव आयन्स देते हैं अदर देन एच पॉजिटिव आयन्स, ये भी नेगेटिव आयन्स देते हैं, बट अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयन, ये भी पॉजिटिव आयन. जस्ट इन केस ऑफ एसिड्स में आपने देखा, आपने बेसिस में देखा, वो भी पॉजिटिव आयन देते हैं, ये भी पॉजिटिव आयन देता है. लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होता है इट इज अदर देन हाइड्रोजन आयन. जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, शाबाश, क्या जो यहाँ पे नेगेटिव आयन, क्या वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है कि अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा. हमारे पास ये कंपाउंड है NaCl, कॉमन एग्जाम्पल साल्ट्स की, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं. आपने इसको साल्ट क्यों कहा? क्योंकि मैंने जब इसको पानी में डिजॉल्व किया, मैंने इसको पानी में डिजॉल्व किया, एसिड को पानी में डिजॉल्व से आपको क्या मिलता था? H पॉजिटिव आयन. बेसिस को पानी में जब हम डिजॉल्व करते थे वहां पे हमें क्या मिलता था? हाइड्रोक्सिल आयन. लेकिन जब हम किसी साल्ट को किसमें डिजॉल्व करेंगे? पानी में डिजॉल्व करेंगे. यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव आयन. यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपको क्या मिल रहा है? Na प्लस, विच इज अदर देन हाइड्रोजन आयन. यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन मिल रहा है Cl माइनस, इट इज अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. द सब्सटेंसेस दे आर कॉल्ड एज साल्ट्स. आप KCl को देखिए, इसको भी मैं साल्ट कहता हूं. क्यों? मैंने इसको पानी में डिजॉल्व किया. जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे यहां पे पॉजिटिव आयन निकलेगा, बट दिस इज अदर देन हाइड्रोजन आयन. यहां पे आपको नेगेटिव आयन मिलेगा Cl माइनस, विच इज अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. सो अ साल्ट इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजॉल्वड इन वाटर यील्ड्स अ पॉजिटिव आयन, ठीक, अदर देन हाइड्रोजन आयन, एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दे आर द केमिकल सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज साल्ट्स. अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स. देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ द साल्ट्स. पहली क्लासिफिकेशन या पहला क्लास साल्ट्स के अंदर वो है नॉर्मल साल्ट्स. साल्ट को हम कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले आपने साल्ट को बनाना है, तो साल्ट बनाने के लिए हमें एसिड की जरूरत पड़ती है, हमें बेस की जरूरत पड़ती है. एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसकी जगह कोई मेटल लेता है, आपको साल्ट मिलता है. अब यहां पे जो आपके डिफरेंट साल्ट्स है, नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स और डबल साल्ट्स, सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल साल्ट के बारे में पढ़ाऊंगा. व्हाट आर नॉर्मल साल्ट्स? मैं पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, प्लस HCl. यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें आपने एक बेस ली, एक एसिड लिया. अब एसिड के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करना है किससे?
सोडियम से, तो सोडियम किसकी जगह ले रहा है, इस हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। यहाँ पे आप मुझे बताइए एच की जगह कौन ले रहा है, सोडियम। तो यहाँ पे जो साल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी NaCl, ध्यान से सुनिएगा। प्लस यहाँ पे एच और ये इस OH के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, H2O। अब यहाँ पे जो साल्ट बना, ये साल्ट कैसे आपने बनाया, जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई हाइड्रोजन की फ्रॉम द एसिड बाय बेसिक रेडिकल, द साल्ट फॉर्मड इज कॉल्ड एज नॉर्मल साल्ट। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर नॉर्मल साल्ट्स, ये वो साल्ट्स होते हैं जब बेस को रिएक्ट किया जाता है एसिड के साथ, मगर एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन, अगर उनकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है, साल्ट मिलता है, उन्हीं साल्ट्स को हम नॉर्मल साल्ट्स कहते हैं। जैसे यहां पे आपको साल्ट मिला, ये साल्ट आपको कैसे मिला, एसिड के अंदर एक ही हाइड्रोजन था, इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से जो साल्ट आपको मिलता है दे आर कॉल्ड एज, बेटा इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉर्मल साल्ट्स। इसके बाद एसिडिक साल्ट्स, इसका उल्टा, उल्टा का मतलब यहां पे अगर किसी एसिड से इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है, साल्ट मिल रहा है लेकिन एसिड से सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे साल्ट्स को हम एसिडिक साल्ट्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, हम यहां पे लिखेंगे H2SO4, व्हाट इज दिस, जरा इसका नाम बताओ शाबाश, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है, वेरी गुड, इसका नाम क्या है, H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, Why are you crying in the corner, बेटा शबाश, मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सीलेंट, नाइस। देखिए यहां पे मैंने एसिड लिया, इसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम्स है, मैं इसके साथ NaOH बेस रिएक्ट करा रहा हूं, लेकिन इस एसिड से एक ही हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और साल्ट आपको मिलेगा, इस एक हाइड्रोजन की जगह सोडियम यहां से ले रहा है, तो ये साल्ट आपको मिलेगा NaHSO4, This is called a sodium hydrogen sulfate, और वो कैसे, sodium bisulfate, plus बेटा आपको यहाँ पे H2O मिल रहा है, ये भी salt है, ये भी salt है, now what is the difference between this salt and that salt, ये salt आपको, आपने इसको बनाया from the acid, मगर इस acid से complete replacement हुई, इस salt को आपने बनाया acid से, मगर इस acid से क्या complete replacement हुई hydrogen atoms की, incomplete replacement, yes it is incomplete replacement, जो salt बनता है by incomplete replacement of hydrogen atoms from the acid, the salts, they are called as acidic salts. Hope आपको ये समझ में आया होगा. Very good. इसके बाद double salts. Double salts को हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम दो simple salts लेते हैं. उनका equimolar mass लेते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे एक salt लूँगा FeSO4. ठीक है? This is called as ferrous sulfate. प्लस यहां पे हम लेंगे NH4 2SO4, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट। दो सिंपल साल्ट मैंने लिए, ये भी साल्ट है तो ये भी साल्ट है। अब ये नहीं कहना कि इसको हम साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं ये देगा पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन, ये देगा नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, इसको भी मैंने साल्ट कहा तो डेफिनेशन सेम है। दो सिंपल साल्ट का इक्विमोलर मैं यहां पे ले रहा हूं, जब मैंने इनको आपस में रिएक्ट कराया, इनको मिक्स कराया, तो यहां पे आपको मिलेगा FeSO4 NH4 whole twice SO4 कंटेनिंग 6 times H2O, इसमें 6 water ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस साल्ट इज कॉल्ड एज मोहर साल्ट, इसी साल्ट को हम बेटा मोहर साल्ट कहते हैं। दिस साल्ट इज कॉल्ड एज मोहर साल्ट, एक हम डबल साल्ट कहते हैं। तो डबल साल्ट दे आर नथिंग, दे आर सिंपली टू सिंपल साल्ट्स का हम मिक्सचर लेते हैं, इक्विमोलर मास उनका लेते हैं, उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करा के जो साल्ट आपको मिलेगा उसी साल्ट को हम मोहरस साल्ट कहते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए देयर आर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ साल्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक वो है फैमिलीज ऑफ साल्ट्स, इसमें क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। हम जानते हैं साल्ट को बनाने के लिए हमें एसिड और बेस की जरूरत पड़ती है। जितने भी साल्ट्स, अगर आप उनके लिए कोई भी बेस यूज कर रहे हो, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप वहां पे एसिड ये यूज कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी साल्ट, आपने ये साल्ट बनाया KCl बनाया, ध्यान से सुनिएगा, आपने NaCl बनाया, आपने यहाँ पे हम लिखेंगे CaCl2, यहाँ पे लिखेंगे MgCl2, मैंने बहुत सारे साल्ट्स बनाए, लेकिन इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए एक तो आपको बेस की जरूरत पड़ती है, एक आपको एसिड की जरूरत पड़ती है। यहां पे आपने कोई भी बेस यूज किए, जैसे कि यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगर इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर एसिड का इस्तेमाल किया है, दैट इज HCl।
तभी आपको यहाँ पे सीएल मिल रहा है, आपको यहाँ पे सीएल मिल रहा है, आपको यहाँ पे सीएल मिल रहा है और आपको यहाँ पे सीएल मिल रहा है। जब हम साल्ट्स बनाते हैं, कोई भी बेस रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, विद पर्टिकुलरली दिस एसिड, उस वक्त जो साल्ट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज क्लोराइड्स। सो क्लोराइड्स ये फैमिली है साल्ट्स की, जिन साल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए जो एसिड हम यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली आपके पास नाइट्रेट से कोई भी बेस यूज करके, मगर अगर हम पर्टिकुलर एसिड कौन सा लेंगे, HNO3, व्हाट इज दिस एसिड कॉल्ड इज, दिस एसिड इज कॉल्ड इज नाइट्रिक एसिड। जैसे कि मैं यहां पे लिखूंगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, मैं लिखूंगा KNO3 दिस इज कॉल्ड इज पोटेशियम नाइट्रेट, मैं यहां पे लिखूंगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, डिफरेंट मैंने यहां पे साल्ट्स लिए। इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए यहां पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस, यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेस, यहां पे आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड की बेस ली, लेकिन जो पर्टिकुलरली आपने यहां पे एसिड यूज किया है फॉर देयर फॉर्मेशन दैट इज HNO3 व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, दैट फैमिली इज कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज द साल्ट्स, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। हो गई दूसरी फैमिली। इसके बाद आप मुझे बताइए ये जो सल्फेट्स, एक और फैमिली है साल्ट्स की, इनकी फॉर्मेशन के लिए हम किस एसिड का यूज करते हैं, और जो कार्बोनेट से इनकी फॉर्मेशन के लिए हम किस एसिड का यूज करते हैं। मैं चेक कर रहा हूं आपके कमेंट्स, जरा जल्दी बताइए। पहले आप इसका बताइए, व्हाट आर सल्फेट्स, इनकी फॉर्मेशन के लिए हम किस एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी। शाबाश, वेरी गुड, जल्दी बताओ बेटा, मुझे लगता है आप लोगों को नींद आ गई है शायद। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। आपने साल्ट का नाम, ये एसिड का नाम बताना है। ये जो आपने कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बताया किसका बताया, इसका बताया कार्बोनेट्स का, वेरी गुड एक्सीलेंट नाइस। इसका मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, सल्फेट्स का मतलब ये वो साल्ट से जिनकी फॉर्मेशन के लिए हम इस एसिड का इस्तेमाल करते हैं H2SO3 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और कार्बोनेट्स वो साल्ट से जिनकी फॉर्मेशन के लिए हम किस एसिड का यूज करते हैं H2CO3 दिस एसिड इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गए साल्ट्स की, इनकी डेफिनेशन, इनकी क्लासिफिकेशन और कुछ फैमिलीज। बेटा आपको रेस्ट मत चाहिए 5-8 मिनट के लिए, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, 5-8-10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से इंटरेक्शन होगी। मैं शायर नहीं हूं, सॉरी। कंटिन्यू करें, हाँ, अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता है तो नमाज पढ़ के आइए, 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से इंटरेक्शन होगी। वेरी गुड, यस, व्हाई नॉट सर, कैन वी प्रो बीपीटी यूजिंग सिमिलरली एग्जाम्स, यस। चलिए 10 मिनट के बाद आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, 10 मिनट तक हम रेस्ट करेंगे, जिसको नमाज पढ़नी है वो नमाज पढ़ के आएगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो बच्चा, आई होप कि आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सबका प्यार जो है वो हमें मिल रहा है, दैट्स अमेजिंग। बहुत जल्दी यस, मैथ्स का जो मैराथन लाऊंगा मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, और उसमें हम 5-6 घंटे में वो सारा सॉल्व करेंगे और आपको ये सारी चीजें बताएंगे, सर कैन वी प्रूव बीबीटी यूजिंग सिमिलरिटी इन एग्जाम्स। सो यस, ये सारी बातें जो है वो मैथ्स के क्लास में डिस्कस होंगी, और सर कैन वी प्रूव बीपीटी यूजिंग सिमिलरिटी इन एग्जाम्स। सो ये मैंने बोला आपको कि मैथ्स के एग्जाम्स में जब मैथ्स का मैराथन आएगा तो उस दिन मैं खुद ही एक्सप्लेन करूंगा, ये फिलहाल केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, तो आप बेहतर होगा आप केमिस्ट्री के बारे में बात करें। तो देखिए बच्चों, लाइफ में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप को मोटिवेट रखिए। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि पेपर आपको डिफाइन नहीं करता, कभी भी कोई भी जो पेपर आप एग्जाम में देते हैं ना वो आपको डिफाइन नहीं करता, ना ही आपकी नॉलेज वो बताता है कि आप कितना अच्छा पढ़ के गए हो या कुछ भी, ये बात
अच्छे से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, आपने 80% पढ़ा, आपने 20% छोड़ा है, अगर आपका 20% में से पेपर पूछा गया जो आपने छोड़ रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ भी नहीं आता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। हमेशा से अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। आपके बड़े बड़े मार्क्स, चाहे आप 90% लेके आते हैं, 90 से ऊपर भी लाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 90 ऐसे लाए थे। ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि जब एवरेज मार्क्स का बच्चा होता है, जो एवरेज मार्क्स लाता है और बड़े बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है, डिपेंड करता है कि आपकी डेडिकेशन कितनी है। सो दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो अपने आप को डेडिकेटेड रखिए। सर टेंशन है, पीर सारा सिंह सर टेंशन है, किस बात का टेंशन है, हम खड़े जो हैं आपके लिए। आई होप के हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना टेंशन शेयर करें, हम कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें आप तक पहुंचाई जाए। सर ब्रेक ले रहे हैं और वो चाय ले रहे हैं, तब तक मैं आपको जो भी आपके इश्यूज है उन पे बात करते हैं। हिदायत सिंह सर डिप्रेशन है, किस बात का डिप्रेशन है भाई, सारी चीजें तो अच्छे से जा रही है ना, तो डिप्रेशन क्यों लेना, किस चीज का डिप्रेशन है बताइए। इम्तियाज सिंह सर आई टी थैंक यू सर, मार्क्स काटेंगे आई थिंक। भाई देखो एक चीज बात बता रहा हूं, मैंने अभी आपसे क्या कहा, मार्क्स आपको कभी डिफाइन ही नहीं करते। आपके मार्क्स कम ज्यादा आते हैं उससे आप कभी डिफाइन नहीं होते हो, आप डिफाइन होते हो जब कोई एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप डिफाइन होते हो, आप कभी मार्क्स कम आ गए या ज्यादा आ गए इससे अपने आप को बिल्कुल भी डिफाइन मत करिए, ठीक है। सर मैथ्स का सर रिश्तेदार कौन है, रिश्तेदार भाई बताओ, सच में कोई रिश्तेदार लग रहा है, चलो बताओ अपना नाम कहां से हो। ओके सी डॉट डब्ल्यू डॉट जेड, तो बुक वाले मेथड से करो ना, इजी है वो। ओके मार्क्स पे रिश्तेदार चप्पल मारेंगे, हाँ ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने शेयर की, ठीक है। तो देखिए भाई याद रखना, जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, पहले तो मान के चलो कि आप जब भी कर रहे हैं ना, पता है रिश्तेदार क्यों फोन करता है, वो इस चीज के लिए फोन करते हैं आप कहां पहुंचे, क्या कर रहे हो, ठीक है। उनको एक्चुअली ये दिखाना होता है कि आप लोग पढ़ तो नहीं रहे, कहीं उनके बच्चों से ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बाद में जब आपका एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो वही लोग आपके पेरेंट्स के पास आते हैं कि हाँ हमको तो पता था ये आपका जो बच्चा है ना, इसमें टैलेंट तो था भाई, ये कुछ तो करने वाला था, ये सारी चीजें बाद में होती है, तो इसलिए एग्जाम पे पूरा भरोसा रखिए। ठंड भी है, हाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बाहर बहुत सारी बारिश हो रही है। सर आप कहां से हो, ओके शायरी ऑन रिश्तेदार प्लीज, रिश्तेदार चप्पल मारेंगे मार्क्स पर, अरे भाई रिश्तेदार कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, ठीक है। चलिए इम्तियाज सर, इम्तियाज बोटो बोल रहे हैं सर आईटी मींस, मुझे समझा दो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सर वेयर इज योर स्टूडियो, ओके हाँ भाई कश्मीर में ही है स्टूडियो। ओके पीर सारा सिंह यस सर ओपी है अब्रार, थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो आई होप के सर का टाइम हो गया है और अब जो है आप क्लास को कंटिन्यू करें और जो भी चीजें हैं बिंदास पूछें, ठीक है, और अच्छे से अपना टाइम जो है वो एंजॉय करें। और बहुत जल्दी ही आपको मैराथन्स के थ्रू हम सारे रिविजन्स इंशाल्लाह कराएंगे, और अपना टाइम अच्छे से दो। सर मैथ्स की बहुत टेंशन है भाई, कोई टेंशन नहीं है, मैराथन में सब क्लियर करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। सर इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो हुसैन सर किस लिए बैठे हैं, ठीक है, हुसैन सर तो है ना इधर ही, तो कोई मसला है ही नहीं। सर उर्दू का क्या करेंगे, उर्दू में लिखेंगे अच्छे से मार्क्स लाएंगे और क्या करेंगे, उर्दू बहुत आसान है। सर वेयर आर यू फ्रॉम कश्मीर सर, थैंक यू ग्रेटर ग्रामर सेइंग लव, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। सो प्लीज स्ट्रीम को बहुत ज्यादा शेयर करें, थैंक यू अब्रार, थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड लव। सो चलिए मैं अब सर को, आई होप के सर इज नाउ अवेलेबल। सर SST के डेट्स वगैरह का परेशानी रहती है, GM सर से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो मैराथन लेके आएंगे। सर कश्मीर वेयर SST,
ये सारी चीजें कवर होंगी एग्जाम से पहले, टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ बिंदास होके पढ़ते रहिए, कमेंट्स करिए और स्ट्रीम को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। तो थैंक यू एवरीवन। सो चलिए, आई होप के सर अवेलेबल है और वो कंटिन्यू करेंगे। चले बेटा, वेलकम बैक टू जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे हम नजर डालते हैं। पहला कंपाउंड आपने देखा होगा, नाम लिखा है कॉमन साल्ट, नमक जो हम अपने खाने के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, उसी की बात हम करेंगे। कंपाउंड का नाम है कॉमन साल्ट, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज टेबल साल्ट। क्यों इसको टेबल साल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे खाने के टाइम हमारे टेबल पे रहता है, दैट इज वाई द कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेबल साल्ट। इसका अगर आपने केमिकल नाम बताना है, केमिकल नेम बताना होगा, देन इट इज सोडियम क्लोराइड। ये इसका कॉमन साल्ट कॉमन नेम है, याद रखिएगा। इसकी केमिकल फॉर्मूला वो है NaCl, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रेपरेशन, कैसे इस साल्ट को बनाया जाता है, जरा आप मुझे बताइए। मैंने बहुत सारी रिएक्शंस आपको बताए, एक रिएक्शन आप बताइए कैसे हम NaCl को बनाते हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। शाबाश, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। जल्दी बताइए बेटा, NaCl को आपने रिएक्ट करना है वेरी गुड, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम करेंगे सोडियम या क्लोरीन की, यू गेट दिस NaCl। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज दिस, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस को हम लेते हैं, इस बेस को स्पेशली दिस बेस विच इज आल्सो एन अल्कली, इसको हम रिएक्ट करते हैं इस एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो यहां पे आपको मिलता है NaCl प्लस आपको यहां पे मिलेगा वाटर। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसकी ऑकरेंस क्या है, ये कहां पे हमें मिलता है, इसकी अगर हम ऑकरेंस देखेंगे, ये हमें मिलता है इन द सी वाटर इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। जो समंदर होते हैं उनके नजदीक वो शेलो पिट्स बनाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर पानी को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन रेज पड़ते हैं, जहां पे वाटर की इवापोरेशन होती है, और पीछे क्या रहता है आपका NaCl रहता है, जो कि इसके साथ इंप्यूरिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। फिर इसको फैक्ट्रीज के अंदर लिया जाता है, वहां पर इसकी रिफाइनिंग की जाती है और आपको फिर प्योर फॉर्म में NaCl मिलता है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो आप याद रखिए जो मैं आपको यहां पे बताऊंगा। पहली बात, इसका कलर वो आपको पता है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। यहां पे आपने लिखना है इट इज व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। ये हो गई इसकी स्टेट, या हम कलर कहेंगे, इट इज कलर, इट इज कलर इज व्हाइट एंड इट इज स्टेट इज क्रिस्टलीन सॉलिड। सॉल्युबिलिटी, अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, क्या ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है, यस इट इज डिजॉल्व्ड, यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl सोडियम क्लोराइड, याद रखना इस टेम्परेचर पे 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जो हमारा साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ये एक्ट करता है डाइहाइड्रेट। तो यहां पे इसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मगर किस टेम्परेचर पे, ये पॉइंट आपने याद रखना है, 0 to 20 डिग्री सेल्सियस ये एक्ट करता है, और इट एक्सिस्ट्स एज डाइहाइड्रेट सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स, एम आई राइट। अगर हम यहां पे इसको हीट देंगे, जब हम इसको हीट देते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहां पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल ये ब्रेक होता है, यहां पे आपको मिलेगा NaCl प्लस आपको यहां पे मिलेगा 2H2O, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स, दो वाटर मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक होते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो उस वक्त आपको एक साउंड सुनाई देता है, क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट हैपेंस अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट देते हैं, सिंपली मैंने बताया इस टेम्परेचर पे इसके अंदर दो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं तो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक होते हैं, ये क्रिस्टलेटिस ये ब्रेक होता है, और उस वक्त आपको जो साउंड सुनाई देता है, क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, जब हम इसकी हीट देते हैं। हो गई एक और प्रॉपर्टी।
इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अगर आप इस वीडियो को कश्मीर से देख रहे हो, अभी इस वक्त बारिश पड़ रही है बाहर, आप देखिए बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत कम है। अगर हम नमक के पैकेट को खोल के रखेंगे, कल सुबह देखेंगे तो आपको इसमें पानी जैसा लगेगा। इसका मतलब साल्ट क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंप्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से अगर उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, इट रिसीव्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपको ये लग रहा है कि जैसा ही ये इसके अंदर पानी चला गया है, दैट नेचर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड नमक को अगर हम एक्सपोज्ड रखेंगे, बाहर नहीं रखना है, बारिश में नहीं रखना है, अंदर ही रखेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा देन इट रिसीव्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, देन नेचर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसके बाद एक और इसमें प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम नमक को इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है किसी गैस का, वो गैस कौन सा होता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे हम लिखेंगे H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ आपने किसको रिएक्ट कराना है, सोडियम क्लोराइड को। यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा NaHSO4, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। प्लस आपको यहाँ पे मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा HCl। ये यहाँ पे ये गैस इवॉल्व होता है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन विद एक और प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम साल्ट को, सोडियम क्लोराइड को इस कंपाउंड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराए तो वहां पे कौन सा कंपाउंड बनता है, मैं यहां पे लिखूंगा NaCl प्लस AgNO3। तो यहां पे आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है, दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, सॉरी प्रेसिपिटेट इसका आपको मिलता है AgCl सिल्वर क्लोराइड, प्लस आपको यहां पे एक और कंपाउंड मिलता है, दैट इज NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ये कंपाउंड आपको यहां पे मिलता है इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द PPT व्हिच वी कॉल एज प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा, ये हो गई प्रॉपर्टीज किसके, कॉमन साल्ट के। इसके कितने यूज है वो आपको खुद भी पता है, इसकी जो इसका जो इस्तेमाल वो हम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड इन पिकल्स, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट एंड द फिशेस, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो हम इस कंपाउंड से, इस पर्टिकुलर कंपाउंड से बनाते हैं। सो दिस कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज कॉमन साल्ट, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, व्हाट इज दैट, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। व्हाट इज कास्टिक सोडा, इट इज केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अ बेस, मगर कौन सी बेस, सॉल्युबल बेस, तो इसका मतलब इट इज अल्कली, ये अल्कली होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, इसका कॉमन नेम इट इज कास्टिक सोडा एंड इट इज केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हमने यहाँ पे इसका ये केमिकल नेम यहाँ पे लिखा है, लेकिन इट इज कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा, केमिकली इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसकी केमिकल फॉर्मूला वो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद इसकी प्रेपरेशन, अब इसकी प्रेपरेशन सुनिए, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम NaCl लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, प्लस इसको हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ, दिस इज वाटर, दिस इज कॉल्ड इज दिस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इस सॉल्यूशन को हम बेटा ब्राइन कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहते हैं। और इसी सॉल्यूशन के थ्रू हम क्या पास करते हैं, इसमें हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें पास होती है इलेक्ट्रिसिटी तो आपको यहां पे एक तो NaOH मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कॉमनली कॉल्ड एज कास्टिक सोडा जो आपको चाहिए था, प्लस यहां पे क्लोरीन आपको मिलता है, प्लस यहां पे हाइड्रोजन निकलता है। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था क्लर अल्कली प्रोसेस क्या होती है, जब हम फॉर्मेशन प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टिक सोडा की, कैसे, जब हम ब्राइन के थ्रू क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपको ये कंपाउंड मिलता है। मैंने अभी आपको बताया ये अल्कली होती है, दिस इज अल्कली, एम आई राइट, और साथ में यहां पे आपको क्लोरीन मिलता है। तो ऑन दैट बेसिस, चूंकि यहां पे आपको प्रोडक्ट में एक तो आपको अल्कली मिल रहा है, एक आपको क्लोरीन मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम बेटा क्लर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लर अल्कली प्रोसेस। होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा, जो आपने क्वेश्चन किया था क्यों हम ये
एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है, इट इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द ब्राइन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट यू गेट इन द प्रोडक्ट इज यू गेट दिस कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज आल्सो एन अल्कली, साथ में आपको क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन के हिसाब को मिलता है. तो यहाँ पे जो ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक अल्कली दूसरा क्लोरीन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लर अल्कली प्रोसेस. और इस प्रोसेस को एक स्पेशल सेल में किया जाता है जहां पे डायफ्राम लगा होता है ताकि ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट ना हो जाए, नहीं तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलेगा क्योंकि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर. दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कैरीड इन अ स्पेशल व्हिच इज कॉल्ड इज ईदर इन दिस सेल इज कॉल्ड इज नेल्सन सेल, इसको हम नेल्सन सेल कहते हैं या कास्टनर कास्टनर केलनर सेल बोलते हैं. कास्टनर केलनर सेल, नेल्सन सेल और कास्टनर केलनर सेल. आई बात समझ में बेटा? फिर इसके बाद ये होगी इसकी प्रेपरेशन. चलिए इसके बाद इसके बाद एक और कंपाउंड, व्हाट इज दैट, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू. मे बी इस साल आपके एग्जाम में मत आएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. शाबाश. इट इज कॉमनली कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर. इट इज केमिकल नेम इज, ऊपर हमने केमिकल नेम ही लिखा है, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2. इसकी केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा CaOCl2. दिस इज कॉल्ड इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब इसके बाद इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं? सिंपल रिएक्शन में यहां पे लिखूंगा, बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू ड्राई सिलिकेट लाइम इन बैकमैन्स प्लांट. देखिए ड्राई सिलिकेट लाइम, इसकी फॉर्मूला CaOH2. मैं जनरली मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं जहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है, सिंपली मैं रिएक्शन आपको यहां पे दिखा रहा हूं क्योंकि इसका हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको हमने डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है. आपने एग्जाम में बस इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, तो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है. टू द पॉइंट आप वहां पे लिखिएगा, आपको बराबर मार्क्स इसके मिलेंगे. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई लेते हैं, इसके थ्रू हम पास करते हैं Cl2 क्लोरीन गैस. यहां पे जब इसको इसके साथ पास किया जाता है आपको ये कंपाउंड मिलता है CaOCl2 व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, प्लस आपको यहां पे H2O मिलता है, वाटर मिलता है. ये यहां पे रिएक्शन है. फिर से सुनिए, हम यहां पे ड्राई सिलिकेट लाइम लेते हैं. इस ड्राई सिलिकेट लाइम के थ्रू हम क्या पास करते हैं? व्हाट वी पास थ्रू दिस ड्राई सिलिकेट लाइम इज द क्लोरीन गैस. ऑन पासिंग द क्लोरीन गैस थ्रू दिस ड्राई सिलिकेट लाइम वी गेट दिस कंपाउंड व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. एक प्लांट के अंदर की जाती है ये. दो प्लांट्स, एक हैजन क्लेवर्स प्लांट कहते हैं, जो ओल्ड मेथड है, पुराने जमाने में उसी मेथड से ब्लीचिंग पाउडर को बनाई जाती थी. लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उसको हम बैकमैन्स प्लांट कहते हैं. इसमें कंटेनर होता है, उसमें शेल्व्स लगे हुए होते हैं, ऊपर हुपर होता है, हुपर से हम ड्राई सिलिकेट लाइम नीचे डालते हैं, नीचे से क्लोरीन ऊपर चढ़ाते हैं, तो बीच में इनकी रिएक्शन होती है. फिर जब वो रिएक्ट होते हैं आपको क्लोरीन मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, विच इज कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर. क्लियर? फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं. सबसे पहली बात, इसका कलर एंड सिकेट, इट इज येलोविश व्हाइट पाउडर, येलोविश व्हाइट पाउडर, ये याद रखिएगा, येलोविश व्हाइट पाउडर, इसकी सिकेट और इसका कलर. फिर इसके बाद एक्शन ऑफ एयर. अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को बाहर रखेंगे, एक्सपोज टू एयर रखेंगे, एयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एस्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ. मैं यहां पे लिखूंगा CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर. आपने इसको बाहर रखा, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड. आप जब इसको बाहर रखते हो ये इसके साथ रिएक्ट होगा, आपको ये मिलेगा बेटा CaCO3, दिस इज कॉल्ड इज कैल्शियम कार्बोनेट. प्लस यहां पे स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है, किसकी? इस क्लोरीन की, एज दिस क्लोरीन हैज स्पेशल स्मेल. तो उस स्पेशल स्मेल की वजह से आपको ये पता चल रहा है जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को बाहर रखते हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, इसके साथ रिएक्ट होता है और इससे स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है. असल में वहां पे कौन सा गैस रिलीज होता है? दैट इज दिस गैस व्हिच इज कॉल्ड एज क्लोरीन गैस अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज लाइम. इसको हम लाइम भी कॉमनली कहते हैं. शाबाश. इसके बाद ये हो गई इसके दो प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ एयर. नाउ
सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्या ये वाटर के साथ डिजॉल्व होता है? यस, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड समटाइम्स इट प्रोड्यूसेस मिल्की कलर. कभी कभार इसका जो कलर पानी के अंदर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग के अंदर अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उस कंपाउंड की वजह से पानी का कैसा कलर आ जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है. फिर इसके बाद रिएक्शन विद एसिड, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फ्रॉम जो इसका यूज है, हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और ये यूज किया जाता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, इसे हम ब्लीच करते हैं. ये एज इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स दिस क्लोरीन. तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से या ये क्लोरीन देता है. ये किस वजह से ये ऑक्सीजन देता है, ये किस वजह से क्लोरीन देता है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इस रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, रिएक्शन विद द एसिड. कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ? हाँ, एसिड के साथ. अब यहां पे सुनिएगा, मैं यहां पे एसिड क्या ले रहा हूं और एसिड की किस कंसेंट्रेशन के साथ में ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करा रहा हूं. मैं सबसे पहले यहां पे लूंगा ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं बेटा बार बार बता रहा हूं, अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर की इंपॉर्टेंस देखनी है तो वो इंपॉर्टेंस इस केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन. काफी ऑक्सीजन देगा तो वही रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं. ये क्लोरीन देता है जिसका यूज हम ब्लीचिंग में करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट. तो ब्लीचिंग एजेंट में इसी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है. ये क्लोरीन हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है, वही रिएक्शन मैंने आपको पढ़ानी है, रिएक्शन विद एसिड. मैं CaOCl2 ले रहा हूं, मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा इसके साथ, HCl के साथ, एसिड है ना, गुड. मगर अगर मैं यहां पे इस एसिड की कंसेंट्रेशन कम लूंगा, मतलब ये प्रेजेंट होगा किसमें, इनसफिशिएंट, व्हाट विल हैपन, यहां पे आपको रिएक्शन होगी, आपको ये कंपाउंड मिलेगा CaCl2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड, साल्ट मिलेगा, प्लस आपको ये कंपाउंड मिलेगा HClO. कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है, व्हाट इज दिस HClO कॉल्ड इज? शाबाश, जल्दी बताइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताइए ये HClO क्या है. ये HClO जो यहां पे निकल रहा है, ये HCl का नाम मुझे, HClO का नाम मुझे बताइए जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताइए. दिस इज कॉल्ड इज, इसको हम बेटा हाइपो क्लोरस एसिड कहते हैं. ये कंपाउंड यहां पे मिलता है HClO, इसी कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंस है. एज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड. अनस्टेबिलिटी की वजह से ये कंपाउंड ये डिकम्पोज हो जाता है इंटो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस दिस ओ. यही ऑक्सीजन क्या कहलाता है, दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड इज नेसेंट ऑक्सीजन. और इसी ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर ये मानी जाती है एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, बट इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द एसिड इज लेस, इट इज प्रेजेंट इन इनसफिशिएंट अमाउंट, then you get this product along with the formation of this compound HClO, which is called as hypochlorous acid. The hypochlorous acid is unstable in nature, it immediately decomposes into two other compounds. One is called as HCl, which is called as hydrochloric acid, plus yahan pe aapko oxygen milta hai, the oxygen is called as nascent oxygen. To is wajah se isko consider kiya jata hai as strong oxidizing agent. Ye ho gayi ek important reaction. Fir iske baad ek aur reaction, ab agar hum kya karenge, इस HCl को हम लेंगे कैसे, इसको हम सफिशिएंट क्वांटिटी में लेंगे, सफिशिएंट. अभी आपने इनसफिशिएंट लिया था, अब आपने इसको कैसे लिया, कितना लिया, ज्यादा लिया. जब हम इसको ज्यादा लेते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा CaCl2, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, प्लस आपको यहां पे Cl2 मिल रहा है, प्लस आपको यहां पे H2O मिलेगा, वाटर भी मिलेगा आपको, ये क्लोरीन. तो इस क्लोरीन की मदद से हम इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, ब्लीचिंग, जो कपड़ों की हम ब्लीचिंग करते हैं या किसी और चीज की ब्लीचिंग करते हैं, वो इसी क्लोरीन से करते हैं. तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस रिएक्शन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं,
क्योंकि जो भी हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, तो ये इसी रिएक्शन की वजह से जब ये रिएक्ट होता है किसके साथ, एसिड के साथ। अब एसिड के दो कंडीशन है, आप इसको कम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ये हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा, अनस्टेबल डिकम्पोज होगा, वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। आप इसको ज्यादा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा, इसी क्लोरीन का इस्तेमाल हम फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। ये हो गई कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसके बाद इसके कुछ यूजेस आप खुद भी पढ़ सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक, कपड़ों की हम ब्लीचिंग करते हैं, पेपर की हम ब्लीचिंग करते हैं, लिनन कॉटन, ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारे पास होते हैं जिनकी हम ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकलता है, उसी क्लोरीन की वजह से हम ब्लीचिंग करते हैं। फिर इट इज यूज्ड इन द स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लोरीन जो इससे निकलता है ये एक्ट करते हैं जर्मिसाइड, पानी के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, जब हम ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं। फिर इसके बाद फॉर द प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, कॉमनली इस कंपाउंड को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, विच इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, क्लियर हो रहा है ना। तो इस कंपाउंड की भी फॉर्मेशन हम किससे करते हैं, इसी कंपाउंड से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कल को आपके एग्जाम में आएगा राइट डाउन कैल्शियम ऑक्साइड या इसकी प्रॉपर्टीज आप बताएं, व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग पाउडर, व्हाट इज इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट यूजेस, तो ये सामने आपके हैं। तो ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना ही लिखिए, काफी है और आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसी चैप्टर के अंदर, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड की हम बात करेंगे, और जितना मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा इतना ही वहां पे लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, इसका नाम हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा, एंड इट इज केमिकल नेम तो यही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड इट इज केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है, इतना याद रखिएगा। पहले सबसे पहली बात हमें इस कंपाउंड की बात करनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट, it is commonly called as baking soda, it is chemical name is sodium hydrogen carbonate and it is chemical formula is NaHCO3. ab iske baad iski preparation kaise isko hum prepare karte hain, it is prepared by passing carbon dioxide through saturated solution of Na2CO3, sodium carbonate hum lete hain, iska saturated solution sodium carbonate plus H2O, ye ho gaya saturated, sabse pehle hum solution banayenge kiska, sabse pehle hum sodium carbonate ka solution banayenge, saturated solution banayenge kiske sath, वाटर के साथ, और इसके थ्रू हम पास करेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, आपको ये कंपाउंड मिलेगा NaHCO3, which is commonly called as baking soda and chemically this compound is called as sodium hydrogen carbonate or bicarbonate plus आपको यहाँ पे H2O मिलता है। You getting my point, dear students? आपको सॉरी यहाँ पे आपको NaHCO3 मिलता है, ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गई इसकी एक प्रेपरेशन बाय पासिंग सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ इसके बाद एक और मेथड है जिस मेथड को हम सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। इस सॉल्वेज प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं NaCl, NaCl के थ्रू हम पास करते हैं गैस अमोनिया NH3 प्लस इसके थ्रू हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये हम यहाँ पे इसके साथ ये कुछ कंपाउंड्स इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, व्हाट यू गेट दिस कंपाउंड NaHCO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम अभी आपने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम साल्ट इट इज NH4Cl, दिस इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। तो हमें इसके साथ मकसद है तो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। ये एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, इसी कंपाउंड का, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड सॉल्वेज प्रोसेस, याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, शाबाश, इसका कलर ये व्हाइट होता है और स्टेट ये सॉलिड होती है। एक्शन ऑफ हियर, इट इज स्टेबल इन हियर, नथिंग हैपेंस विद दिस कंपाउंड इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है अगर हम इस कंपाउंड को बाहर रखते हैं तो, इट इज स्टेबल इन हियर।
फिर इसके बाद इसकी सॉलिबिलिटी, इट इज सुपरैनली सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ, डिजॉल्व कराते हैं, क्या ये कंप्लीटली डिजॉल्व होता है कि कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं? इट इज सुपरैनली सॉल्युबल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लूंगा, आपने NaHCO3 लेना है, जिसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, वाटर के साथ, इसको हमने डिजॉल्व करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड बनेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा NaOH, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस निकलती है और एक एसिड निकलता है H2CO3, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, दिस इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। दिस फेज इज कॉल्ड एज, इसी को हम स्पेरिंगली सॉल्युबल इसको हम कहते हैं। तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आपको एक तो एसिड मिल रहा है वीक एसिड, और साथ में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मिलती है। सो इट इज सुपरैनली सॉल्युबल इन वाटर। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसको हीट देंगे, इस कंपाउंड को हीट देंगे, कंपाउंड हमारे पास क्या है, NaH, ध्यान से सुनिएगा, CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, मैंने इसको हीट दी। जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है इनटू दिस कंपाउंड Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहां पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आपको यहां पे सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है जब हम इसकी क्या देते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद एक्शन ऑफ एसिड, व्हाट हैपेंस इफ एसिड एनी एसिड इज रिएक्टेड विद दिस कंपाउंड, तो वहां पे साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। मैं रिएक्शन भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपके पास NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा NaCl, गुड, प्लस आपको यहाँ पे मिलता है CO2 प्लस आपको यहाँ पे मिलता है H2O। यहाँ पे जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना बेटा, आपको पता है, इज इट सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, कि ये इज इट सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्या ये कंबशन में मदद करता है कि ये कंबशन में मदद नहीं करता है, ये आग को बुझाता है ना कि उसको जलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कब, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, एक तो आपको साल्ट मिलता है, साथ में आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स का काम क्या होता है, आग बुझाना। तो आग कैसे बुझ जाता है, जब वहां से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऐसे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मगर कैसे, उन फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर हम ये दो कंपाउंड्स लेते हैं NaHCO3 HCl, वहां पे साल्ट बनता है। तो एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी वहां पे इसको एक बोतल के अंदर रखा जाता है, इसको दूसरी बोतल के अंदर रखा जाता है। एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी इस बोतल का जो ढक्कन वो खोला जाता है, उसको इसके ऊपर गिराया जाता है, रिएक्शन होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिडिएटली निकलता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिर वो आग और जन कंपोनेंट की वजह से वो आग लग जाती है, उनके बीच में एक लेयर चढ़ती है, ऐसे आग वो बुझ जाती है। Is that clear to everyone? ये हो गई एक और प्रॉपर्टी, विच वॉज द एक्शन ऑफ एसिड विद दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, वट आर इट इज डिफरेंट यूजेस, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या यूजेस है, ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज एज एन एंटी एसिड। बेटा देखिए, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हमारे स्टोमक से बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है, स्टोमक का जो pH वो डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत ज्यादा सेंसेशन होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम पिंच लेते हैं किसका, बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का लेते हैं। वो असल में क्या करता है, जब वो एसिड के साथ, अभी मैंने बताया, जब हम NaHCO3 को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अंदर स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दिस एसिड विच इज कॉल्ड एज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आपको एक तो साल्ट, ये तो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, प्लस आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलता है। तो दीज आर द न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। आई बात समझ में, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन फूड एंड फूड्स एंड ड्रिंक्स। लाइव में चलता है,
चलिए बेटा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे हम नजर डालते हैं, यह है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इट इज कॉमनली कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। इट इज केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड इट इज केमिकल फॉर्मूला इज Na2, ये याद रखिएगा, CO3 कंटेनिंग 10 टाइम्स H2O, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कंपाउंड का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमनली इस कंपाउंड को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसकी केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, ये याद रखिएगा। इसकी प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं, सिंपली बाय सॉल्वेज प्रोसेस। कैसे, अभी हमने क्या किया था, NaCl लिया था, इसके साथ हमने रिएक्ट किया था NH3 अमोनिया, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ हमने H2O रिएक्ट किया था। आपको यहां पे क्या मिला था, NaHCO3। पहले आपको यहां पे मिला था सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हम क्या करते हैं, इसको हम हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं आपको क्या मिलता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर यहां पे हम इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तीसरे स्टेप में हम Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। जब हम इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे आपको ये मिलेगा Na2CO3.10H2O, ये इसकी फॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। ये जो प्रोसेस से पहले मैंने आपको इनके साथ बेकिंग सोडा पढ़ाई, तो ये वही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू वहां पे आपने इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप किया था क्योंकि वहां पे आपको ये कंपाउंड चाहिए था, लेकिन इसी कंपाउंड से फिर हम ये कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट डाइकाहाइड्रेट बनाते हैं। कैसे, इस कंपाउंड को हम हीट देंगे, डिकम्पोजिशन होगी तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलेगा। ये कंपाउंड इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब इसके साथ हम पानी ऐड करेंगे, पानी ऐड करने के बाद आपको ये कंपाउंड मिलता है Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O। द कंपाउंड इज कॉल्ड इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फिर इसके बाद इसका कलर एंड स्टेट, सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होती है। एक्शन ऑफ एयर, अगर हम इसको बाहर रखेंगे, इज इट स्टेबल इन एयर और समथिंग हैपेंस टू दिस कंपाउंड इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू द एयर। मैंने यहां पे ये कंपाउंड लिया Na2CO3, ध्यान से सुनिएगा, कंटेनिंग 10H2O, अगर मैं इसको कहां पे रखूं, एक्सपोज्ड टू एयर, मैंने इसको बाहर रखा, इट लूजेस वन वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O होता है। तो यहां पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा Na2CO3 कंटेनिंग 9 टाइम्स H2O, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इट इज इन पाउडर फॉर्म, ये क्रिस्टलीन फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलीन फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये अपना क्रिस्टलीन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट लूजेस इट्स क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ या ड्यू टू द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस इसको हम बेटा एफ्लोरेसेंस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। व्हाट इज एफ्लोरेसेंस, जब हम वॉशिंग सोडा को बाहर रखते हैं, यहां पे एयर की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, पहले इसका क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, नाउ इट बिकम्स पाउडर फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। सो इट इज नॉट स्टेबल इन एयर। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, जैसे आपने बेकिंग सोडा में पढ़ा वो स्पारिंगली सॉल्युबल होता है, लाइक वाइज द कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज ऑल्सो स्पारिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और सेम प्रोडक्ट बनते हैं जब हम इसको किसके साथ एड करते हैं, वाटर के साथ एड करते हैं। ऐसे में यहाँ पे लिखूंगा प्लस H2O, आपको यहां पे मिलेगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3 सोडियम, यहां पे आपको कार्बोनिक एसिड भी मिलता है, ये हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद एक्शन ऑफ हीट, वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट देते थे, सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता था। अब अगर हम इस कंपाउंड को हीट देंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस कंपाउंड को अब हीट दी, जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है, ये क्या बनाएगा Na2CO3 प्लस 10H2O, ये हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी। इनके शब्द कंपाउंड कॉल्ड इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद एक्शन ऑफ एसिड, बराबर वैसे ही अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऐसे में यहां पे लिखूंगा प्लस HCl, आपको यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा एक तो आपको मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O, यहां पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
एक और इसमें आप एक और टॉपिक वो है इसके यूजेस, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड अदर केमिकल्स इसे हम बनाते हैं, या फॉर वॉशिंग पर्पस इन द लॉन्ड्री इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये हो गया किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। अब इसके बाद बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर दीस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, कुछ साल्ट्स के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ साल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेरी गुड, मैं बता रहा हूं हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स ऐसे प्रेजेंट है, कुछ साल्ट्स के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ साल्ट्स के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। अब जिन साल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड साल्ट्स, उनको बेटा हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। व्हाट आर हाइड्रेटेड साल्ट्स, द साल्ट्स कंटेनिंग डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज एनहाइड्रस, दे आर कॉल्ड एज एनहाइड्रस साल्ट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रेटेड साल्ट्स एंड एनहाइड्रस साल्ट्स, अगर हम इनकी डिफरेंस बताएंगे, जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका जो टेक्सचर इनकी जो अपीयरेंस होती है दे आर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलाइन ये होते हैं। और जो ये साल्ट्स होते हैं एनहाइड्रस साल्ट्स दे आर इन द पाउडर्ड फॉर्म, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड पाउडर्ड फॉर्म। इसकी 3D इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका 2D स्ट्रक्चर होता है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन बिटवीन हाइड्रेटेड साल्ट्स एंड एनहाइड्रस साल्ट्स। Now, what are hydrated salts? The salts containing definite number of water molecules. उन definite number of water molecules की वजह से इसका कैसा structure होता है? Crystalline structure होता है। इनके अंदर कोई ऐसा water molecule नहीं होता है। The salts, they are called as anhydrous salts. और इसकी जो appearance वो powdered form में होती है, two dimensional form होती है। ये पहली difference होती है। तो हमें इसको define करना है, water of crystallization molecules. तो ये किन के अंदर present होते हैं? They are present in the hydrated salts. तो क्या होते हैं water of crystallization molecules? Water of crystallization is the definite number of water molecules with which a compound enters into a loose chemical combination as the compound crystallizes out of its solution. तो इसी की बात कर रहा था, due to the presence of the definite number of water molecules in a certain salts, the compounds are crystalline in nature. The salts are called as hydrated salts. Moreover, ऐसे साल्ट्स का एक पर्टिकुलर कलर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, एक साल्ट की CuSO4, इस साल्ट को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसके साथ अगर हम 5H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखेंगे, इसका अगर हम कलर देखेंगे, इसका कलर ब्लू होता है, इसको हम ब्लू विट्रियल कहते हैं। कॉमनली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियल। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस क्रिस्टलाइट इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्रिस्टलिन होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर इसका होता है बेटा। लेकिन अगर हम इसको हीट देंगे, हीट देने से इसके अंदर जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये बाहर निकलते हैं, आपको यहां पे मिलेगा CuSO4। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस हम इसको क्यों कहा? क्योंकि अब इसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। क्या इसका भी अब क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होगा कि इसकी अब जो स्टेट वो चेंज होगी फ्रॉम क्रिस्टलिन टू पाउडर फॉर्म? दीज वाटर मॉलिक्यूल जो डिसाइड करते हैं एक साल्ट का कैसा कलर और इसका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होगा कि पाउडर स्ट्रक्चर होगा, ये डिसाइड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स ये फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर साल्ट के अंदर, दीज मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड, फिर इसके बाद इसमें आप लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो रहता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। दिस कंपाउंड इज represented by this representation POP, plaster of Paris. इस कंपाउंड को हम शॉर्टली क्या कहते हैं? POP, जो हम अपने घरों में करते हैं, जो वॉल्स पे हम करते हैं, जो हम पिलर्स पे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इज POP। उसी POP के बारे में हमने पढ़ना है। ये POP क्या होता है? प्लस्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्यों कहते हैं? इसका जो एक्चुअल केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कॉमनली द कंपाउंड इज कॉल्ड इज प्लस्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, प्लस्टर ऑफ पेरिस। फिर इसके बाद इसका जो केमिकल नेम ऊपर हमने लिखा है, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमीहाइड्रेट का मतलब इट कंटेन्स 1.5 हेमीहाइड्रेट, सॉरी हाफ
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स, ये इसकी फॉर्मूला है, CaSO4.5 water of crystallization molecules. इसी को हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल इसकी फॉर्मूला है। तो पहली बात आपने इसका कॉमन नेम याद रखना है, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लस ऑफ पेरिस, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस कंपाउंड को पेरिस के अंदर बनाया गया फ्रॉम अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज जिप्सम। इसको सबसे पहले जिप्सम से बनाया गया। अगर हम जिप्सम की यहां पे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, इट इज CaSO4 कंटेनिंग टू डायमंड्स H2O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज जिप्सम। इसको हम बेटा जिप्सम कहते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड कहां पे पाया गया, इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन पेरिस, पेरिस के अंदर इसको पाया गया। यहां पे जब इस पे इसको फर्नेस के अंदर डाला गया, वहां पे इतना टेम्परेचर दिया गया, इतने टेम्परेचर देने से इसमें 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब डेढ़ वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकला, वहां पे क्या रहेगा, CaSO4.1/2 H2O। तो ये कंपाउंड यहां पे आपको मिल रहा है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज POP, एज दिस कंपाउंड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड जिप्सम व्हिच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन द पेरिस, दैट इज व्हाई द कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्रिपरेशन मैंने बताया, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम बाय हीटिंग। जिप्सम हम लेते हैं, फर्नेस में डालते हैं, वहां पे इतनी हीट, इस बात का ख्याल रखा जाता है इससे ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हीट यहां पे आप दोगे, इसमें जो ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन की, दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे। अगर ये दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे, आपको कंपाउंड मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं, क्योंकि आप इसके पास कोई क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले। तो इस वजह से ये जो आपका कंपाउंड, ये आपका ये पहले से हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में जो हम डिफरेंस देखते हैं, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CaSO4 सिंपली CaSO4, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसके साथ जब हम पानी ऐड करते हैं तो ये सेट होता है, ये ऑलरेडी हार्ड होता है। दिस प्लस्टर इज कॉल्ड इज डेड बर्नड प्लस्टर, इसको हम बेटा डेड बर्नड प्लस्टर कहते हैं। तो डेड बर्नड प्लस्टर कब बनता है, जब हम जिप्सम को अगर हीट देंगे मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकलेंगे खाली ये रहेगा, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इज डेड बर्नड प्लस्टर। क्यों इसको हम डेड बर्नड प्लस्टर कहते हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, सेटिंग पर पानी ऐड करते हैं और सेटिंग में लगभग 10-15 मिनट का टाइम यहां पे लगता है। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन, ये याद रखिएगा। प्रिपरेशन में ये पॉइंट, ये कंडीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपने हीट नहीं देनी है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इसका कलर ये व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है, इट इज रिएक्शन विद वाटर। देखिए अगर हम ये लेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट .1/2 H2O, इसके साथ अगर हम डेड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 1C1/2 H2O, यहां पे आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, यू गेट दिस CaSO4 कंटेनिंग 2 H2O, दो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको यहां पे मिलेंगे, जो कंपाउंड जिसको हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो जिप्सम क्या होता है, ये हार्ड होता है। Is that clear to everyone? ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिंग। इस वजह से जब हम इसके साथ पानी ऐड करते हैं तो सेटिंग होने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। तो उन 15 मिनट्स में आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो। ऑन दैट बेसिस जो आपका ये पीओपी होता है, इट इज यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। जब किसी की हड्डी टूटती है फिर वो हॉस्पिटल जाता है, फिर उसके ऊपर, उसके बाजू पे, उसके टांग पे यही बैंडेज पे वो पाउडर चढ़ाई जाती है, फिर पानी में डुबोया जाता है। फिर सेटिंग होने में जो भी आपने, जो भी पोजीशन उस हाथ की रखनी है, टांग की रखनी है, तो 10-15 मिनट में वो सेट हो जाता है। असल में फिर वो जब उस प्लस ऑफ पेरिस के साथ हम ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वहां पे सेटिंग होने के बाद ये कंपाउंड बनता है, विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, विच इज जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमनली जिप्सम कहते हैं। तो ये हो गया इसका एक और यूज। फिर इसके बाद फॉर मेकिंग टॉयज या स्टैचूज हम इसी कंपाउंड से बनाते हैं। It was used in the manufacture of blackboard chalks. Blackboard chalks भी हम इसी कंपाउंड से बनाते थे। या it is used in the preparation of formation of fireproof materials. अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ examples आपको बताऊंगा, कुछ examples नहीं, आपको कुछ important questions जो आपके board exam में आने वाले, हम कहेंगे कि वो आ सकते हैं, वो compounds या वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम यहाँ पे, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक तो आप इसमें ज्यादा प्रिपेयर करोगे,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये हो गया इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इसमें आप बेटा पीओपी पढ़ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे पीओपी, आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, इसके अंदर आप एक और कंपाउंड वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और इसमें आप पीएच स्केल पढ़ना है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, किसने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या पीएच स्केल, तो ये हो गया हमारा चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का कंप्लीट, जिसका हमने आज लाइव सेशन, सरप्राइज लाइव सेशन आपके लिए हमने यहाँ पे किया, आज कंप्लीट किया। होप आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और जाने से पहले बेटा आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहां से हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे थे। चलिए पहले आप बताइए, फिर आपसे मैं रुख्सत लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो थैंक यू गाइज, आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय करा, एंड दैट्स अमेजिंग, सो दैट्स ग्रेट। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय करा होगा, एंड आई होप कि अपकमिंग क्लासेस में वी आर शेड्यूलिंग सम मैराथन लेक्चर्स फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स, और हम ये चाह रहे हैं कि आप घर बैठे आराम से जो है अपने लेक्चर्स को बड़े अच्छे से देखें, एंड this is the first start, and I hope the kind of love we are actually observing here on the screen, so that was literally very amazing. So sir, English please, to yahan pe aap dekh sakte hain English, yes, to hum koshish kar rahe ke jo hamari English faculty hai Hussain sir, unse hum baat karke aapko jo hai English ka jo part hai wo bhi, jo baki English ka model paper hai wo hum koshish karenge ki wo bahut jaldi hi discuss ho jaye aapke sir, और बाकी तो इंग्लिश का पोर्शन सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो स्ट्रीम होगी या तो हम प्लान करके आपको अपने कम्युनिटी में हम डाल देंगे, और वहां से एग्जैक्टली आप जाके अपना टाइम टेबल और शेड्यूल जो है आने वाले लेक्चर्स का देख सकते हैं, और हम प्लान करके सारी चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू एवरी वन सर, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स सर, संस्कृत भी पढ़ाओ। ओके, मैं कोशिश करूँगा के संस्कृत भी टीचर फैकल्टी हायर करनी पड़ेगी उसके लिए। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड लव, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर एज वेल। सो अप टिल वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर गाइस, एंड सर उर्दू, हाँ ऑब्वियसली है, ये सारी चीजें आएंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहे, डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, और इंजॉय करते रहे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, थैंक यू।